नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी बीमारी का इलाज। इस बार बात करेंगे हृदय रोगों की, खासकर महिलाओं में होने वाली हार्ट डिजीज की, आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, भारत में जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वैसे वैसे बीमारियां हमें घेरती जा रही है, और उनमें सबसे खतरनाक बीमारी है हृदय रोग, और खास करके महिलाओं में हृदय रोग अब तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेट्रो सिटीज में 60% महिलाओं को हार्ट डिजीज है। तो महिलाएं कैसे हृदय रोग से बच सकती है, इसके लक्षण कैसे पहचान सकती है, और खान पान का कैसे ख्याल रखना है उन्हें, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भावना सिंह, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। तो दर्शकों, अगर आपको या फिर आपके किसी भी सगे संबंधी को हृदय रोग से संबंधित कोई भी परेशानी है और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मैम, आज हम हृदय रोग पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं और पुरुषों की अगर मैं बात करूँ तो किन में सबसे ज्यादा संभावना होती है हृदय रोग होने की? अभी भी पुरुषों में ही ज्यादा संभावना होती है, पर जैसे पहले महिलाओं में और पुरुषों में के रेशो में काफी डिस्पैरिटी थी, अब वो डिस्पैरिटी कम होती जा रही है। मतलब महिलाओं में भी अभी हार्ट डिजीज का काफी इंसिडेंस होने लग गया है। आज अगर देखा जाए तो 42% मेल हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही हार्ट अटैक की वजह से दम तोड़ देते हैं, और इसी रेशो में अगर हम देखें तो 52% महिलाएं हैं जो हॉस्पिटल की सेवा लेने से पहले ही हार्ट अटैक की वजह से दम तोड़ देती हैं। तो यू कैन सी कि मोर ऑफ फीमेल्स दे डाई बिफोर दे रीच हॉस्पिटल। जी, तो आपसे जानना चाहूंगा, अगर बात करें लक्षणों की, बिकॉज सामान्य तौर पर होता है भावना जी, देखा जाता है कि लोगों को लक्षण ही नहीं पता चल पाते हैं हृदय रोगों के, तो महिलाओं और पुरुषों में क्या दोनों में लक्षण समान होते हैं हृदय रोग के? हाँ, लक्षण सामान्य ही होते हैं। सबसे कॉमन लक्षण है छाती में दर्द होना, स्पेशली बीच छाती में स्टर्नम के पीछे तेज तीव्र दर्द होता है, जो कि पीठ रीढ़ की हड्डी की तरफ या पीठ की तरफ जा सकता है, बाएं हाथ और कंधे की तरफ जा सकता है, और कभी कभी ये जबड़े या दांत की तरफ भी जा सकता है। तो दांत टूथ एक के जैसे भी प्रेजेंट करता है। तो चेस्ट पेन सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा मरीज को साथ में पसीना हो सकता है, घबराहट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा पसीना हो सकता है, और बेचैनी, घबराहट, ये सब इसके लक्षण हैं। अब डायबिटिक पेशेंट्स को जरूरी नहीं है कि छाती में दर्द ही होगा, उनको छाती में दबाव या भारीपन महसूस हो सकता है। इसके अलावा उन्हें एक बेचैनी या सिर्फ घबराहट, पसीना होना, सिर्फ यही हो सकता है, या उल्टी या नौजिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि अपन गैस्ट्राइटिस से या एसिडिटी से कंफ्यूज होते हैं, गैस हो रही है, निकल नहीं पा रही है, इस तरह के लक्षण। जी, तो भावना जी, तो आपने लक्षणों की बात की, लेकिन आपने जैसे बताया घबराहट होना, बेचैनी होना, अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उससे भी कई बार देखा जाता है कि सीने में दर्द होने लगता है कुछ समय के लिए, तो अगर ये जो आपने लक्षण बताए, कितने समय तक रहने चाहिए जिससे आदमी ये मान सके कि उसे हृदय रोग है? एक्चुअली ये लक्षण अगर आपको 5-7 मिनट से ज्यादा तक रह रहा है, इसके एक सिंपल तरीका है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हार्ट अटैक की वजह से है या ये सिर्फ गैस्ट्रिक वजह से है। अगर आप चलें फिरें, टहलें, और उससे आपका गैस रिलीज हो जाता है और आपको आराम आ जाता है, दैट मीन्स ये गैस्ट्रिक होगा। और अगर हम थोड़ा बहुत चल फिर भी रहे हैं और हमें नहीं आराम आ पा रहा है, चलने फिरने में असमर्थ हो जा रहे हैं, तो दैट वो ज्यादा लाइकलीहुड है उसकी कि वो हार्ट की वजह से हो आपको। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है हृदय रोग से संबंधित और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। भानो जी, लक्षण तो आपने बता दिया जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनमें सबसे ज्यादा संभावनाएं दिखी जाती है, खासतौर पर महिलाएं, हृदय रोग होने की जिनमें?
देखिए, महिलाओं में ऐसा पहले माना जाता था कि जब तक उन्हें महावारी हो रहा है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता है। पर आज के तनावपूर्ण वातावरण में, तनावपूर्ण लाइफस्टाइल में, ये महावारी भी महिलाओं का जल्दी ख़त्म हो जाता है और स्ट्रेस इतना ज़्यादा है लाइफ में कि अब ज़्यादा महिलाएँ ज़्यादा प्रोन होने लग गई हैं हार्ट अटैक के लिए। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर महिलाओं में ज़्यादा पाया जा रहा है, उनका ब्लड प्रेशर देर से डिटेक्ट होता है और जल्दी कंट्रोल भी नहीं होता है। शुगर, जिन महिलाओं को डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के। मोटापा, ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, वो भी महिलाओं में ही ज़्यादा पाया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पुरुष। और स्मोकिंग का, सिगरेट धूम्रपान का इंसिडेंस महिलाओं में अब काफ़ी बढ़ गया है, जो कि उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। अल्कोहल या मदिरा पान भी महिलाओं में बढ़ गया है पहले के बनिस्बत, इसलिए अब महिलाओं और पुरुषों में के रिस्क फैक्टर्स में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। इसके अलावा तनावपूर्ण वातावरण और खान पान में जो नियम सेम नहीं रह पा रहा है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी जो है वो भी अब महिलाओं में ज़्यादा हो गई है। इस वजह से प्लस एक और फैक्टर जो महिलाओं में ज़्यादा है और पुरुषों में कम है, वो है डिप्रेशन। महिलाएं डिप्रेशन में से जल्दी ग्रसित होती हैं और ये एक मुख्य कारण है कि वो उनमें अब हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस ज़्यादा होने लग गए हैं। जी, अभी अभी भावना जी आपने बताया मुझे कि सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है महिलाओं में हार्ट अटैक होने की, वो स्ट्रेस की वजह से भी होती है। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर हम स्टैट्स पर जाएँ तो 60% महिलाएं वो होती है जिन्हें हार्ट अटैक होता है, वो उन इलाकों से आती है जो कि गांव वाले इलाके होते हैं। अगर हम बात करें शहरों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या रीज़न है कि गांव और या फिर छोटे जो कस्बे होते हैं उनमें हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखा जाता है? इसमें ऐसा नहीं है कि जो गाँव में रह रही उनको स्ट्रेस कम है, उनको भी स्ट्रेस काफ़ी हद तक, उनका भी स्ट्रेस पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। फिजिकल इनएक्टिविटी और खान पान के बारे में जो उनको जानकारी नहीं है, जैसे वो घी मक्खन मलाई का सेवन ज़्यादा करते हैं, वो सोचते हैं कि इससे हमें ताकत मिलती है, लेकिन ये ही सब जाके हमारी हार्ट की नसों को ब्लॉक करते हैं और हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। फिर स्मोकिंग की समस्या, या जिसे आप कह लें धूम्रपान, वो भी महिलाओं में अब अर्बन और रूरल एरियाज में दोनों जगह बराबर का ही बढ़ गया है। तो इसलिए, और जैसे मैंने बताया अर्ली मेनोपॉज अब अर्बन और रूरल दोनों जगहों में होने लग गया, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन हो गया है। पहले 50-55 के आसपास जाके महिला को मेनोपॉज होता था या महावारी बंद होने का समय होता था, आज एज ऑफ महावारी बंद होना 45 से 50 साल हो गई है, 50 से पहले ही महिला को महावारी बंद हो जाता है। और जो हमारे महिलाओं में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन अब वो जल्दी ही कम होने लग गया बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। तो अब रूरल और अर्बन में या गांव में और शहर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। जी, तो दर्शकों, अगर आपको भी हृदय रोग से संबंधित कोई भी समस्या है और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। भावना जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, तृप्ति है उदयपुर से। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कि मेरी एक आंटी है, वो प्लस 50 उनका एज है, एंड वो काम करते करते काफ़ी थक जाती हैं, तो उनको कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लक्षण हैं, मतलब मैं जानना चाहती थी, क्योंकि उनको दर्द भी रहता है कई बार। उनकी उम्र कितनी है? 50+ है मैम। 50+ है। क्या उनको शुगर है, डायबिटीज है? जी मैम, इसका तो पता नहीं है। तो एक बार आपको इनकी शुगर, ब्लड प्रेशर और कार्डियक चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है हार्ट की वजह से भी हो सकता ना भी हो, ज़्यादा चांसेस है कि हार्ट की वजह से हो। ये भावना जी, अभी अभी आपने बताया था कि महिलाओं में खासतौर पर डायबिटीज़ भी देखी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हृदय रोग होने की संभावना काफ़ी होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और अगर किसी महिला को डायबिटीज़ है, तो उसे किस तरह अपनी देखभाल करनी चाहिए जिससे आगे जाकर हार्ट अटैक का खतरा ना रहे उन्हें? उन्हें अपने ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने चाहिए, चाहे सबसे पहले ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए डाइट आती है, उसके साथ में एक्सरसाइजेस, उसके बाद मेडिसिंस, ओरल मेडिसिंस, और ओरल मेडिसिंस से भी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, अगर इंसुलिन लेना पड़ता है तो वो लेना चाहिए,
और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना चाहिए, समय समय पर शुगर की जांच करनी चाहिए और HbA1c जो कि एक ब्लड टेस्ट है जो हमें पिछले 3 महीनों के हमारे शुगर कंट्रोल के बारे में बताता है, कोशिश करनी चाहिए कि उसे 7 के आसपास रखें, वो गुड कंट्रोल ऑफ शुगर कहलाता है। तो इसलिए शुगर का गुड कंट्रोल इज़ अति आवश्यक, और शुगर कंट्रोल अगर रहेगा अच्छा तो फिर उनको चांसेस कम है हार्ट डिजीज होने के। जी भावना जी, अभी एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, छाया जी हैं श्री गंगानगर से। छाया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी 42 है जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये बंद होने की कागार पे है या कोई ऐसी इसकी कोई दवाई भी आती हो जो मैं ले हूं, जो मेरे शरीर को नुकसान न ना हो। और दूसरी बात, मुझे थायराइड भी हुआ है। जी हाँ, थायराइड भी एक हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म को भी आपको ध्यान में रखना होगा, और अगर है आपको हाइपो थायराइडिज्म तो इसको यू थायराइड लेवल पे लाना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पाई, आपने कहा मैं बंद होने के कगार पे है, क्या बंद होने के कगार पे? आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आते आते आ नहीं रही है, मतलब एक दिन ही दिखाई देती है बाकी आती नहीं है, तो ये आप अपना प्रश्न रिपीट करेंगी छाया जी? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं पीरियड आता है मगर आता नहीं है, मतलब अच्छा। हल्का सा बस दिखाई देता है, ये चाहे मैं कपड़ा कुछ लूँ या ना लूँ कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है आपको महावारी अनियमित हो रहा है और कम हो रहा है, तो इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए। कई बार पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है या कुछ और महिलाओं से संबंधित जो डिजीज़ होते हैं उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, और ये हो सकता ना बंद हो रहा हो लेकिन कोई और वजह से आपका इरेगुलर हो गया है, तो ये आपको पहले चेक कराना चाहिए और इसकी नियमितता बनवानी चाहिए। भावना जी, अगर बात करें हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक को डायग्नोस किस तरह किया जा सकता है, कौन कौन से वो टेस्ट होंगे जो करवाने एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं? देखिए, हार्ट अटैक तो सिम्टमेटिकली ही मतलब जब सिम्टम्स होंगे उसके तो मरीज को खुद ही लगने लग जाता है और समझ में आ जाता है, छाती में दर्द होना, पसीना होना, जैसे मैंने पहले आपको बताया उस तरह के सिम्टम्स होंगे। और सबसे पहले उसको अगर आपको लग रहा है तो सबसे पहले आपको मेडिकल हेल्प कॉल करनी चाहिए और बिना समय गंवाए, क्योंकि इसमें बोलते हैं टाइम इज़ गोल्ड, तो बिना समय गंवाए हम सबसे पहले मेडिकल हेल्प अगर ले सकें तो वो सबसे अच्छी बात है। पर जब तक हमें मेडिकल हेल्प मिल रही है तब तक हमें मरीज़ को या जिसको भी दिक्कत हो रही है उनको फर्श पे सीधा लिटा देना चाहिए, फ्लैट फर्श पे, फर्म फर्श पे, और अगर हम उन्हें ऑक्सीजनेट कर सकते हैं तो ऑक्सीजन देना चाहिए, जो कि आमूमन घर में ऑक्सीजन सिलेंडर होता नहीं है, पर उनका एयरवे वगैरह हम क्लियर रख सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन अच्छे से वो ले सके, सांस ले सके। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कई बार उल्टी होने की संभावना होती है ना उनको, तो आप उनका मुंह एक तरफ एक करवट कर दीजिए जिससे कि जो भी कुछ निकलना है बाहर वो बाहर निकल जाए, बनिस्बत कि हमारे सांस के रास्ते में जाए और सांस को चोक करे, हमें चोक करे, तो वो करना चाहिए। प्लस कोई उनके पैर मोड़ देने चाहिए जिससे जो कुछ सर्कुलेशन है वो हार्ट की तरफ जाए, और उन्हें अगर हमारे पास हमें लग रहा छाती में दर्द या उनको पहले से मालूम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो हम उन्हें सॉर्बिट्रेट दे सकते हैं जीप के नीचे, या आइसोसॉर्बर डाइनाइट्रेट जिसे हम नाइट्राइट नाम से जानते हैं, एक गोली पानी के साथ हम दे सकते हैं। ये गोली एटलीस्ट हार्ट की नसों को थोड़ा फैला देगी जिससे थोड़ा खून और पहुँच जाए। और सबसे पहले जब हमने मेडिकल हेल्प कॉल की है तो जब तक हम ये सब करेंगे मेडिकल हेल्प आ जाएगी और हमारा मरीज सेफ हो जाएगा जी। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।